वी आर डूइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इन विच वी विल डिस्कस टूडे द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दैट इज हाउ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड वेदर वी यूज द सेम मेथड एज द फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एज इन एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन द केस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और समथिंग न्यू इज देयर सो बेटा एक्चुअली क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम लोग स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेव फंक्शन साई ठीक है अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिकल मॉडल जो हम लोगों ने डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंगली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं जिसके ऊपर पूरे का पूरा वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है वो आप कह सकते हो डिपेंडेंट है तो वहीं पे हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से स्टडी करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ठीक है लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के केस में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन जो है वो एक आप कह सकते हो कि सेटिस्फैक्ट्री या आप कह सकते हो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं प्रोवाइड करवा पाते ठीक है मीन्स टू से इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन फ्रॉम द सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सो दैट्स व्हाई न्यू अप्रॉक्सीमेट मैथड इज ऑप्टेड फॉर स्टडिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दैट इज नोन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने अप्लाई की थी फॉर स्टडिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स उसको हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की स्टडी के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते उसके पीछे कॉज ये है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इट कैन नॉट बी सॉल्व फॉर एनी सिस्टम कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए वैलिड रहती है हैंस उसके सॉल्यूशंस वगैरह भी जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इजीली स्टडी कर पाते हैं विद द सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अब क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं ठीक है विच आर वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन फॉर मॉलिक्यूल्स दे आर डिफरेंट एंड दे आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हैंस To overcome this problem regarding the study of formation of molecular orbitals, a new approximate method is chosen that was known as, that is known as linear combination of atomic orbitals. इसके through, इस methodology के through, हम लोग study करते हैं formation of the molecular orbital, means how molecular orbitals formed. ठीक है व्हाट इज द क्राइटेरिया बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सो एक्चुअली इस प्लस वन स्टैंडर्ड में हम लोग स्टडी करेंगे मोस्टली जो हम लोग फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिलेटेड टू द होमो एटॉमिक और यू कैन से होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे जैसे H2O2 N2 ठीक है F2 इस तरह के मॉलिक्यूल जो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनकी स्टडी के लिए इसको अप्लाई करेंगे प्लस वन स्टैंडर्ड में कुछ एक दो हैं जो हेटरोटॉमिक है जैसे CO हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड NO हो गया या NO पॉजिटिव हो गया दो तीन मॉलिक्यूल जो हेटरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में बट मोर प्रोबेबली जो ज़्यादा है वो हम लोग होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स और जो मॉलिक्यूलर आयंस है जैसे O2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव इस तरह के मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को इन दिस क्लास प्लस वन स्टैंडर्ड में सो एक्चुअली बेटा होता क्या है दो केसेस के विद रिस्पेक्ट टू हम लोग स्टडी करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ठीक है द वेरी फर्स्ट थिंग इज जब दो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स आपस में कंबाइन करती हैं तो वहां से टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस हम बोल सकते हैं जो इंटरमिक्सिंग जिसको हम बोलते हैं टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस होती है एक को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरी होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स जहां पे ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस करेगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग बोलेंगे, जो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि विच एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है जी। और एक होती है डिस्ट्रक्टिव, जो हिंड्रेंस प्रोड्यूस करती है, मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करती है, विच प्रोवाइड अनस्टेबिलिटी, मतलब एक जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्म होना है, और दूसरा जो बॉन्ड फॉर्मेशन के रास्ते में टांगड़ाएगी। कहने का मतलब ये है, तो एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, जब दो वेव्स इन फेस कंबाइन करती हैं, ठीक है, एक नेट रिजल्टेंट वेव जो है वो प्रोड्यूस होती है वहां से, सो दैट द टू वेव्स गेट्स एड अप, जब दो एड अप हो जाएं, ठीक है, उनको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो टेक्स प्लेस करती है जब आइदर क्रस्ट क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ आपस में कंबाइन, ये होती है आपकी वेव, क्लियर, ये आपके पास पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, क्रस्ट इज पॉजिटिव एंड ट्रफ इज नेगेटिव, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, जब पॉजिटिव पॉजिटिव लूप आपस में कंबाइन करेंगी ये वाले, या फिर नेगेटिव नेगेटिव आपस में ओवरलैप करें, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तब होगी आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस केस में क्या होगा, जैसे टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग वेव फंक्शन साई ए साई बी है, साई ए इसकी ले लीजिए, ये आपके पास, और दिस इज साई बी, दिस वन वेव फंक्शन ऑफ वन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड वेव फंक्शन ऑफ सेकेंड, इन दोनों ने आपस में कंबाइन करना है, जिसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसके विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड फॉर्मेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होनी है। तो यहाँ पे क्या होगी, ये प्लस हो गया, दैट इज एडिशन होगी, एडिटिव हो गया ये एडिशन। इसमें क्या होगा, एक नेट वेव फंक्शन जनरेट होगा, ठीक है, विच इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन, जिसको हम बोलेंगे इस तरह से, ये क्रेस्ट एंड ट्रफ एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, कहने का मतलब एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज कर जाएगा वहां से, दिस इज साई ए प्लस बी दिस वन, ओके, ये होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं हम इसको, दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो आपके पास ऑर्बिटल बना, दैट इज इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, फाई इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, ये एडिटिव इफेक्ट रहता है जो लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। हम लोगों ने पोस्टुलेट्स में स्टडी किया था कि दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, इफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड, वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड अनदर इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दो बनते हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, दैट इज एडिटिव इफेक्ट होता है, दो वेव फंक्शन आपस में कंबाइन करते हैं, जहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव लूप्स जो हैं, ठीक है, आइदर क्रस्ट क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ दोनों आपस में ओवरलैप करके एक नेट रिजल्टेंट वेव जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन फाई कहलाता है, फाई दिस वन, ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन। सेकंड होता है आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या रहता है, इसमें ओपोजिट चलता है, ओपोजिट इन द सेंस, जैसे ये हो गया साई ए की वेव फंक्शन, अब साई बी का जो वेव फंक्शन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लूप जो हैं वो एक तरह से आप कह सकते हो कि ओवरलैपिंग करती हैं कुछ इस तरह से, ऐसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये ओवरलैप करेंगे, यहाँ पे होगा सब्ट्रैक्टिव, ये सब्ट्रैक्शन होगी, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन होगी, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है जी, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फाइव स्टार से, फाइव स्टार, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
और यहां पे क्या होता है, दिस इज साई ए माइनस साई बी। अब क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट वेव फंक्शन प्रोड्यूस होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो प्रोड्यूस होगा, वो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी मिनिमम रहेगा। सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रही है वहां पे, ठीक है, एडिशन नहीं हो रही है। तो यहां पे जो अब बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, दिस इज साई ए माइनस साई बी। और यहां पे बेटू जो आपके पास बना बॉन्ड फॉर्मेशन, ये जो टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसके थ्रू बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू, ये आपके पास होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर बेटा? सो टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस इज देयर अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, वन इज एडिटिव एंड सेकंड इज सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट, मींस एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव के केस में दो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स जो हैं, आपकी दो जो एटॉमिक वेव फंक्शंस है वो आपस में विद पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव लूप्स के साथ ओवरलैप करके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके एक नेट रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस करेंगे जिसका एम्पलीट्यूड होगा मैक्सिमाइज, दैट इज एडिशन होगी दोनों की तो ओवरऑल मैक्सिमम हो जाएगी, जैसे प्रीवियस केस में हम लोगों ने डिस्कस किया है। और दूसरी केस में सब्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो वहां पे वेव्स जो हैं वो सब्ट्रैक्टेड होगी फ्रॉम ईच अदर और जो एम्पलीट्यूड होगा न्यू वेव का दैट विल बी लेस होगा, दैट इज यहाँ पे फाइ डैश जो होगा दैट विल बी साई ए माइनस साई वी होगा, जो न्यू वेव का आपका एम्पलीट्यूड रहेगा सब्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। नाउ जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू स्टडी करते हैं द लॉस, जैसे प्रीवियस केसेस में हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के केस में डिस्कस किया ये दैट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं बाय फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन फाई, सेम एज इट इज। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या था, साई आपका वेव फंक्शन था, ठीक है, विच रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेव, और साई स्क्वायर क्या था, विच प्रोवाइड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। सेम एज इट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के केस में भी वही है, बट यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के विद रिस्पेक्ट टू नहीं हम डिस्कस कर रहे क्योंकि वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाती फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, क्योंकि वो यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही वैलिड रहती है। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं दे कैन नॉट बी सॉल्व फॉर एनी सिस्टम कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। सो हेंस अ न्यू मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, याद रखना है दिस इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेट मैथड, नॉट एग्जैक्ट बट अप्रोक्सीमेटली इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय कंसिडरिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन फाई, ओके, विच इज ऑब्टेन्ड बाय द सब्ट्रैक्टिव और एडिटिव इफेक्ट ऑफ द वेव फंक्शन साई, दैट इज एटॉमिक वेव फंक्शन साई जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के केस में, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रहती है वो भी किसके विद रिस्पेक्ट टू फाइंड करेंगे, स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन। जैसे वहां पे साई स्क्वायर था, यहाँ पे होगा फाई स्क्वायर, ठीक है जी। तो उस केस में किस तरह से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो क्या था आपका फाई, विच इज इक्वल टू साई ए प्लस साई वी। अब प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, फाई स्क्वायर इज इक्वल टू साई ए प्लस साई वी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे सिंपली साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस टू साई ए साई बी। सिमिलरली जो आपके पास स्टार वाला है, दिस इज साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस टू साई ए साई बी। इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, दैट इज जो फाई स्केयर है आपके पास, फाई स्केयर वो प्रोवाइड करवाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है जी। यानी इस केस में आपके पास दो केस डिवेलप होंगे, कौन से, जो फाई स्केयर है दिस वन, ये वाला जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन द साई स्केयर प्लस साई बी स्केयर, ये ग्रेटर देन रहेगा
साई ए स्केयर प्लस साई बी स्केयर के, ठीक है, इस केस में, ठीक है जी। और इस केस के लिए जो फाई स्टार स्केयर आप बोलोगे या डैश स्केयर कुछ भी बोल सकते हो, इट विल बी लेस देन साई ए स्केयर प्लस साई बी स्केयर। मतलब एक केस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंक्रीज करेगी, हाई रहेगी, और दूसरे केस में डिक्रीज रहेगी। और अगर हम आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, दैट इज डायग्रामेटिकली अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो इस चीज को, तो वहां पे जो एडिशन होगी, जो सब्ट्रैक्टिंग, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा। जैसे मान लीजिए दो ऑर्बिटल है, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, यहाँ पे बन जाएगा ये वाली चीज, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, ठीक है जी, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव के केस में क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग ही नहीं करेगी, ये अलग अलग रहेंगे इस तरह से, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है जी। ये सिंपल सी है, सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंगली और एडिशन के अकॉर्डिंगली जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होते हैं वो किस तरह से टेक्स प्लेस करते हैं। मान लीजिए 1s1s ऑर्बिटल हमने ओवरलैप करवाए हैं, 1s1s 1s1s, ठीक है, तो बनेगा क्या, सिग्मा 1s बन जाएगा जब एडिशन होगी, ये एडिटिव है, दिस इज एडिटिव, और जब सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट होगा, सब्ट्रैक्टिव, तो ये बन जाएगा सिग्मा स्टार 1s, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो है वो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो जाएगी उस केस में, सिग्मा स्टार 1s एंड सिग्मा 1s फॉर्मेशन, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस तरह से बनते हैं। अब आगे एक चीज और ध्यान से सुनिए, देखिए एडिशन हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन फाई क्या कर रहा है, उसकी डेंसिटी, उसका एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ओवरऑल। इस केस में ये था ना आपके पास, ऐसे ओवरऑल इंक्रीज करता है, ठीक है, इस केस में क्या करता है, नीचे वाले केस में डिक्रीज करता है, इस तरह से ये लो हो जाता है एम्पलीट्यूड, यहाँ पे डिक्रीज कर जाता है, ये साई ए प्लस साई बी यहाँ पे ये इस तरह से रहता है, जबकि इस केस में क्या रहता है, साई ए माइनस साई बी रहता है, एम्पलीट्यूड एक के केस में डिक्रीज करता है, ठीक है जी। एक केस में क्या कर रहा है, वन ऑफ द केस में साई जो है, दैट इज वेव फंक्शन जो है वो इंक्रीज है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है एडिटिव के केस में, इस तरह से, एक तो ये हो गया इंक्रीज कर रहा था साई ए प्लस साई बी, और दूसरे केस में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है दिस वन ऐसे, ये ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम इसमें ये, यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा रहेगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या रहेगा, ज्यादा, मैक्सिमाइज मतलब अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन मैक्सिमम रहेंगी, रिपल्सिव इंट्रैक्शन मिनिमम रहेंगी, तो इस वजह से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी क्या रहती है, हमेशा लो रहती है, एनर्जी ऑफ द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ऑलवेज लेस, व्हाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लार्ज ओवरलैपिंग, शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, रिपल्शंस कम हो गई, अट्रैक्शंस बढ़ गई, ठीक है, अट्रैक्शंस बढ़ने से क्या हुआ, एनर्जी डिक्रीजेस, सिंपल सी बात है। और दूसरे केस में क्योंकि रिपल्सिव इंट्रैक्शंस है, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट है, वहां पे क्या होगा, अट्रैक्शंस कम हो जाएंगी, रिपल्शंस बढ़ जाएंगी। और जब हम एक ऑर्बिटल को, मॉलिकुलर ऑर्बिटल को, बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर एंटीबॉन्डिंग को शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, दिस इज द एनर्जी क्राइटेरिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस तरह से मान लीजिए 1s 1s ऑर्बिटल, जैसे हम केस डिस्कस कर ही रहे थे, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं इस केस में, तो जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन जो टेक्स प्लेस होगी, ठीक है, ये आपके पास इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे, दिस इज इंक्रीजिंग इन एनर्जी, ये एनर्जी फैक्टर है, इस तरह से इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे आपके पास साई ए है और ये आपके पास साई बी है, कंबाइन करेंगे जैसे अभी हमने डिस्कस किया। अब होगा क्या, एक बनेगा एडिटिव, एक बनेगा सब्ट्रैक्टिव, तो एडिटिव के केस में लोअर इन एनर्जी टेक्स प्लेस कर जाएगी इस तरह से, ये एनर्जी डिक्रीज होगी, फॉल करेगी एनर्जी ओवरलैपिंग के दौरान,
यहाँ पे ये बन गया आपके पास, ओवरलैपिंग होगी, दिस इज साई ए प्लस साई बी, ठीक है जी। ये आपके पास इस तरह से इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, ये सिग्मा। मान लीजिए 1s 1s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं या 2s 2s कर रहे हैं इस तरह से, या फिर 2px 2px सॉरी 2pz एंड 2pz ऑर्बिटल जो है मान लीजिए वो ओवरलैप कर रहे हैं, तो उस तरह से अगर ये रहता है ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव हुई तो उस केस में एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, ये वाला केस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये किसके इक्वल साई ए माइनस साई बी, ये रहेगा, क्लियर। इस तरह से आपके पास ये बन गए एंटी बॉन्डिंग, ये बने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये बन गए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये वाले क्या है, सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है जी। इन दिस वे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद दैट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ने इस तरह से एक्सप्लेन किया था। ये जो रहेगा ये एनर्जी डिफरेंस रहेगा दिस वन, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा दिस वन, इसको डेल्टा एंड डेल्टा स्टार से हम लोग डिनोट करते हैं, डेल्टा डेल्टा स्टार के विद रिस्पेक्ट टू हम इसको डिनोट करते हैं। ये जो एनर्जी डिफरेंस रहता है, एनर्जी क्राइटेरिया रहता है, यहाँ पे याद रखना है जो डेल्टा स्टार है इसको मान लो, या इसको मानेंगे क्योंकि एंटी बॉन्डिंग के केस में हम स्टार मान ले या इसको स्टार मान लेंगे, ये आपके पास दिस वन, ये रहता है स्टेबलाइजेशन एनर्जी डिफरेंस, दिस इज नोन एज एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन। लोअरिंग ऑफ एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वाली दिस वन, लोअरिंग ऑफ एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, देन द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसको बोलेंगे स्टेबलाइजेशन एनर्जी। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी ना एनर्जी, ये कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की ये एनर्जी है, जब ओवरलैपिंग हुई तो डिक्रीज करगी, फॉल करगी नीचे को, डिक्रीज कर रही है, इसलिए ये प्रोवाइड करवाएगी स्टेबिलिटी, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग के केस में ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से इंक्रीज कर रही है, तो इसको बोलते हैं डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये वाली जो है दिस वन, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और बेटा ये जो है, ये है डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी, डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होती है वो किसकी वजह से, स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वजह से टेक्स प्लेस करती है। जितने ज्यादा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल उतनी ज्यादा रहेगी उस केस में, ठीक है जी, क्लियर। दैट इज जो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गली एंटी बॉन्डिंग रहते हैं देन द कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक्चुअल में क्या रहता है, ये एक जो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स बनती हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं हम इसको, जो एक्चुअल बनते हैं वो इतने ज्यादा सिंपल नहीं रहते, सिमेट्रिकल नहीं होते, एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज डिक्रीज करता रहता है, लेकिन हम लोग जो आप ड्रॉ करते हैं वो सिमेट्री की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, वहां पे सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बट प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो वहां पे डिसिमेट्री रहती है, कोई एक जैसी एनर्जी क्राइटेरिया जो रहता है वो एक जैसा नहीं रहता, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो रहती है, ठीक। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है जी। है तो ऑलमोस्ट एक जैसे ही है, जैसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग के बारे में डिस्कस किया, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम सही है, लेकिन वहां पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के विद रिस्पेक्ट टू साई ए साई बी के विद रिस्पेक्ट टू हम लोग डिस्कस करते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के केस में हम लोग नेलियन कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग है बेटा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन के लिए होती है, और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, अप्रोक्सीमेशन मेथड है ये फॉर स्टडिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है जी। बाकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वेरी इजी साथ साथ में हम लोगों ने करी नहीं है, जैसे लोअर इन एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी होते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हायर इन एनर्जी होते हैं,
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्स होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई ए एंड साई बी, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो रहते हैं वो फॉर्म होते हैं बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल साई ए एंड साई बी। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी रहती है उसको डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी रहती है दिस वन इसको स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो बोला जाता है। इस तरह से हम लोग इसके बीच में डिफरेंस बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के केस में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आपको बन सकता है और वन मार्क में जैसे डिफरेंस वगैरह भी बन जाता है, हाउ कुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या फिर सिंपल क्वेश्चन बन जाता है स्टेट एंड एक्सप्लेन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो आपने इसको एक बार दोबारा से रीस्टडी कर लेना है। एक और रहता है दैट इज कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो वो कंडीशंस वेरी वेरी सिंपल सी हैं, 2-3। जैसे फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन के केस में डिस्कस कर रहे हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जस्ट कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव कंपेरेबल, आपकी एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स हैं दे शुड हैव कंपेरेबल एनर्जीज, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, या मोस्टली क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल एनर्जीज होनी चाहिए, जैसे एस एस और पी पी उसी तरह से, या फिर एस एंड पी ओवरलैप वो टेक्स प्लेस करेंगे। सिमिलरली कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल जो होनी चाहिए प्रॉपर ऑरिएंटेशन होनी चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया ही है। एंड थर्डली द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्ज होनी चाहिए फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितनी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस उतनी ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी उतनी ही मैक्सिमम रहेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्लियर। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, ठीक है, सिग्मा पाई जैसे हमने पोस्टुलेट्स में डिस्कस किया। सो टिल देन टेक केयर।